नमस्ते फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आज मालपुए बनाऊंगी और मालपुए की विधि आप लोग को बताऊंगी। मालपुए दो तरह की होती है, एक बिना चाशनी वाला, एक चाशनी वाला। आज मैं बिना चाशनी वाला बनाऊंगी और किसी दिन मैं आप लोग को चाशनी वाला भी बना के सिखाऊंगी। मालपुए बनाने के लिए जो जो सामान लगेगा मैं यहाँ सारा रेडी करके रखी हूँ और आप लोग को बता रही हूँ कि कैसे मालपुए बनता है। और देखिए, मैं घोलती हूँ इसको, घोल के तब आप लोग को दिखा रही हूँ। ये आटा है, ये मैं कम से कम इतना आटा ली हूँ, एक कप आटा है ये, और एक कप ये सूजी है, एक ही कप है, मैं नाप के रखी हूँ, एक कप आटा, एक कप सूजी। और इसमें ये गड़ी जो होता है ना, नारियल के बुरादा है, ये कम से कम 2 चम्मच है, इसमें 2 चम्मच ये डाल रही हूँ मैं। और ये इलायची पाउडर, मैं 2-3 इलायची निकाल के इसको पीस के रखी हुई इलायची पाउडर है। और ये काजू है। किशमिश भी लोग डालते हैं, लेकिन किशमिश डालने से वो जल जाता है, तलते समय वो जल जाता है तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और ये चीनी है, चीनी हम लिए हैं, ये कम से कम हम ये 1 कप आटा लिए थे, 1 कप सूजी लिए थे, तब मैं 1.5 कप इसमें ये चीनी है, मैं चीनी को थोड़ा सा इसको पीस ली हूँ इसलिए कि इसको मुझे जल बनाना है अभी, चीनी खोलने में टाइम लगता है, ये पीसने पीस दिए हैं तो जल्दी टाइम जल्दी हो जाएगा। और इसमें मैं बड़ा सा कप में 1 कप दूध ली हूँ, अब इसको मैं मिलाऊँगी दूध के साथ। इसको मिलाऊंगी खूब अच्छा से, इसको मिला के कम से कम 10 मिनट रख देंगे, 10 मिनट के बाद बनाएंगे कि सूजी थोड़ा सा जो है ना, सूजी फूल जाएगा ना तो अच्छा बनेगा इसका, थोड़ा ज़्यादा देर नहीं, इसीलिए तो चीनी पीसी हूँ, बस 10 मिनट। चीनी नहीं पीस के बनाते तो कम से कम 1 घंटा रखना पड़ता, तब जाके मालपुए अच्छा होगा। देखिए, अब मेरा ये घोल तैयार हो गया, इतना गाढ़ा ये घोल होना चाहिए, 10 मिनट हम रखे थे, इतना गाढ़ा है। और मैं इधर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें घी डाल के वो कर दी हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ये बनेगा। कढ़ाई गर्म हो जा, कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जा रहा है, तब इसको मैं डाल के आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बनेगा। अब थोड़ा सा और गर्म हो जाए कढ़ाई, थोड़ा भाप निकलने लगे तेल से, तब मैं इसमें मैं डालूँगी। अब मेरा कढ़ाई गर्म हो गया, देखिए मैं बना रही हूँ। आप जितना बड़ा साइज बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, मैं इतना बड़ा साइज बना रही हूँ। इस कढ़ाई में 3-3 पड़ेगा, इस टाइप के कढ़ाई में बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तेज करके उसके बाद कम कर देना है, सीम कर देना है गैस को, नहीं तो ज़्यादा जल जाएगा, लाल हो जाएगा। देखिए मेरा मालपुआ कैसे फूल गया है। और मैं इसको इसको धीमी आंच पे बनेगा तभी अच्छा होगा, नहीं तो तेज़ आंच पे नहीं वो हो जाएगा, जल जाएगा। देखिए, अब मैं इसको पलट रही हूँ, देखिए हल्का भूरा हो गया है ना, उसके बाद पलट के उसके बाद दोनों तरफ से खूब अच्छा सा सेक जाएगा, तब निकाल देंगे इसको। देखिए कितना अच्छा मेरा मालपुआ फूल गया है। जितना ही टाइम लगेगा इसको ना रख के बनाएंगे, तुरंत घोल के तुरंत बनेगा तो ये नहीं फूलेगा। 10-15 मिनट पीसा हुआ चीनी में 10-15 मिनट ही रखना है। उसके बाद देखिए कैसे कलर हो रहा है, धीमी आंच पे बनानी है इसको। देखिए, अब मेरा मालपुआ हो गया है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा हुआ है, ना ज़्यादा डार्क कलर है ना वो भूरा भूरा कलर है, ऐसे ही बनाना, लेकिन हल्के आंच पे बनेगा, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन अच्छा। देखिए ऐसे ही मैं सारे मालपुए अपने बना लूँगी, ऐसे ही कर करके देखिए कितने अच्छे बने हैं। मेरा मालपुआ एकदम बन के तैयार हो गया है, और आप भी बनाइए और बताइए कि कैसे बनाइए। एक मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए अंदर से एकदम पक गया है, कच्चा नहीं है, धीमी आँच पर बनेगा उतना ही ये अच्छा होगा। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा प्लीज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में।